डिफाइन हमने कर दिया सेक्शन, डिफाइन हमने कर दिया प्रॉपर्टी भी कर दिया, बीम कॉलम स्लैब, और स्लैब और स्टेयर का एक ही रहेगा जो हमने लिया है कितना 125 mm, और उसके बाद शेयर वाल को भी हमने कर दिया 150 mm लेकर के, ठीक। ग्रिड ऑफ कंक्रीट भी हो ही गया, रीबार भी हो ही गया, ग्रिड और ग्रिड भी हमने डिफाइन कर ही दिया। तो अब चलते हैं फोर्थ स्टेप पे, प्रिपेयर मॉडल, मॉडल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर मॉडल किया जाए, तो आ गए हम अपने यूजर इंटरफेस में। चलिए यहां पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं, डिफाइन हमारा काम चल गया। डिफाइन के बाद अब ये डायफरग्राम की बात कर रहा है, तो हम ये बाद में बताऊंगा क्योंकि मैं इसमें कहीं यूज नहीं कर रहा हूं डायफरग्राम, क्योंकि हमारा स्लैब वैसा बन भी नहीं रहा, इसलिए। सेक्शन हो गया, अब डिफाइन में हमने कर लिया और बाकी सारा बहुत कुछ है, लोड टाइप है, लोड पैटर्न है। मैं पहले मॉडल बना लेता हूं, फिर उसके बाद चलते हैं। ड्रा में चलते हैं, ड्रा में आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसके लिए किसी भी, जैसे ये अगर बना रहेगा यहां तो अभी कुछ बना हुआ नहीं रहे, उस बनेगा तब। ड्रा ज्वाइंट ऑब्जेक्ट, यहां बन जाएगा उसके बाद ही होगा ये काम भी। और हमारा यहां पे देखिए पहला आया ड्रा, तो ड्रा में हम आ गए और ड्रा ज्वाइंट, यहां पे आप देखिए ड्रा बीम कॉलम एंड ब्रेस ऑब्जेक्ट। ब्रेस बीम को भी ब्रेसी बोलते हैं, कॉलम को भी ब्रेसी बोलते हैं, लेकिन एक अलग से ब्रेस दे दिया। ये डायगोनल मेंबर की बात कर रहा है इसलिए इसने इसको ब्रेस नाम दे दिया अलग से, वरना बीम और कॉलम भी ब्रेसिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्रेसिंग बोल सकता है, इसको डायगोनल ब्रेसिंग। अब ड्रा बीम कॉलम, बीम कॉलम ब्रेस इन प्लान एलिवेशन एंड 3D, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपका क्विक ड्रॉ बीम कॉलम प्लान एलिवेशन है, अब ये बहुत जल्दी ड्रॉ करना है बीम आपको, कॉलम ड्रॉ करना है तो प्लान एलिवेशन और 3D में कर सकते हैं। क्विक ड्रॉ कॉलम का है, अगर आपको प्लान में ड्रॉ करना है तो आप ये बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्विक ड्रॉ सेकेंडरी बीम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बताऊंगा कि ये कैसे ड्रॉ होता है। फिर क्विक ड्रॉ ब्रशेज, इसके लिए भी है। तो सबसे अच्छा टूल्स होता है ड्रॉ बीम कॉलम ब्रशेज इन प्लान एलिवेशन एंड 3D, अगर आपको परफेक्शन चाहिए। लेकिन कभी कभी हम क्विक ड्रॉ कॉलम से भी चलते हैं और क्विक ड्रॉ बीम से भी चलते हैं कि हमारा काम हो जाए। अब इसमें दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊंगा, आपको समझेगा। मान लीजिए मैं ये सेलेक्ट कर ले रहा हूं क्विक ड्रॉ बीम कॉलम इन प्लान एलिवेशन इन 3D, ठीक। अब आपका देखिए कि ये जो आपका यहां पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहां पे एक बॉक्स ओपन हो गया। तो इस बॉक्स में हमें जो चीज चाहिए, फ्रेम चाहिए और फ्रेम में प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम क्लिक करेंगे उसके पास और यहां से आपको बीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये कंटिन्यूअस में रहेगा, बाकी चीज को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ड्रॉ ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्रिड। अब मैं देखिए कि अगर क्विक ड्रॉ वाले में क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करके बस माउस को पकड़ के, लेफ्ट के माउस को दबा करके मूव करूंगा तो देखिए ये बीम बनाता जा रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। Yes. बनाता जा रहा है, लेकिन हमें ये हर जगह बना दिया, जहां हमें नहीं भी जरूरत है वहां भी बनाता जा रहा है, ये इसकी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें बना करके कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब आप देखिए कि अभी हम किस फ्लोर पे हैं, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे प्लान व्यू स्टोरी 2 और Z5 है। अब आप इससे ऊपर नीचे जाना चाहते हैं तो आप यहां से जा सकते हैं। अब आप ऊपर कीजिएगा, ये ऊपर किए तो ये अब आप चले गए ग्राउंड लेवल पे, यानी यहां पे आप चलेगा एकदम बेस पे। उसके बाद हम एक ऊपर और करेंगे तो ये मेरा आ गया, ये फाउंडेशन के बाद आ गया आपका ये ग्राउंड लेवल, यहां पे हम आ गए। और उसके बाद अगर एक ऊपर और करेंगे तो ये मेरा यहां पर आ गया है, जो आपका अभी बोल लीजिए तो फर्स्ट फ्लोर क्या कहते हैं, फर्स्ट फ्लोर ये ग्राउंड फ्लोर हुआ, ग्राउंड फ्लोर स्लैब, और ये फर्स्ट फ्लोर स्लैब हुआ, यहां पर हम आ गए। ये ग्राउंड फ्लोर हुआ, ये फर्स्ट फ्लोर हुआ, इस तरह का रूफ फ्लोर स्लैब हुआ। हाँ, दो ही हमने लिया है ना, ये ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे हम मान के चल रहे हैं फाउंडेशन में जा रहा है, और ये बनाया इसको फिर हम एडिट ग्रिड सिस्टम में जाके अपडेट करेंगे। तो यहां से हम बीम सेलेक्ट कर लिए और बीम को हम फिर ड्रॉ करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें बीम चाहिए। तो हम एक बार ड्राइंग को भी ओपन कर लेते हैं, हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। यस सर,
ये तो क्विक से करना है ना सर, क्विक से नहीं करेंगे, क्विक से गड़बड़ हो जाएगा। अब हमें जो बीम चाहिए यहाँ से यहाँ चाहिए और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ चाहिए, अगर हम क्विक ड्रॉ से करेंगे तो यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ कर देगा, इसलिए हम इस चीज से बचेंगे। ठीक है, तो आइए ड्रॉ किया जाए, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यही सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, बीम क्विक ड्रॉ बीम कॉलम साइज इन प्लान, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लू या ड्रॉ में जाके कर लू। तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक बार सेलेक्ट करना होगा, फ्रेम आएगा, फ्रेम के बाद आपको बीम में जाना पड़ेगा, बीम में जाने के बाद बाकी चीज को डिस्टर्ब मत कीजिए। अब देखिए मैं ये माउस कर्सर चेंज हो गया, अभी ऐसा था, जैसे ही मैं आऊंगा ये आपका जो है माउस कर्सर चेंज हो गया। अब मैं जैसे ही ले जा रहा हूं पास में ग्रिड के, ये रेड हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है, इसका मतलब है कि लेफ्ट माउस का आप बटन दबा दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप दबाएंगे एक लाइन अपियर हो गई ना। अब आप दूसरे ग्रिड के पास जाइए, अब इधर उधर मत दबाइएगा, कभी कभी कहां जा रहा है, जैसे ही रेड होगा फिर दबाइएगा, तो इसका मतलब है कि वो ग्रिड के पॉइंट को ले लिया है। ठीक है, अब आपको फिर आगे जाना है, ए से बी में, ए से गलत बी में नहीं गलत था, हाँ गलत हो गया है, बी से सी में, हाँ तो इसको मैं स्केप कर लेता हूँ, स्केप यहाँ से पहले कर्सर चेंज कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो गया, एडिट में जाइए और यहाँ से इसको डिलीट कर लीजिए या कंट्रोल जेड कर लीजिए, बात है। तो फिर से चल लेते हैं, ड्रॉ बीम कॉलन, फिर यहां से सेलेक्ट है, ये बॉक्स पे आ ही गया, और उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हमारा बी से सी पे है, तो यहाँ पे गए तो ग्रिड पॉइंट सेलेक्ट किया, लेफ्ट माउस का बटन दबाएंगे, फिर आप सी तक जाएंगे, जैसे ही ये रेड होगा आप क्लिक कर दीजिए। ठीक, फिर इसके आगे यहां तक नहीं चाहिए हमें, और आपको फिर वो अपने आप अपीयर हो जाएगा, फिर आगे तक चाहिए आप यहां तक चले जाइए। ठीक, अब आप देखिए हट नहीं रहा, अब जहां तक चाहिए हमें, यहां तक चाहिए तो हम यहां यहीं तक चाहिए ना, हाँ यहां तक डाल देंगे, फिर हमें यहां तक चाहिए, ये कर दिया, फिर यहां तक चाहिए, और फिर यहां तक चाहिए, फिर ये चाहिए हमें, और फिर ये यहां तक चाहिए, फिर आपका ये स्टेयर केस बन रहा है यहां पे, और ये लिफ्ट कुछ गलत कर दी, नहीं ठीक है, फिर ये आपका यहां तक गया है बीम, फिर ये गया यहां तक, फिर ये आपका ये टॉयलेट बाथरूम बना है, और ये बना, ये बन गया। अब यहां से देखिए, यहां से हमें हटना है, तो राइट क्लिक कीजिएगा तो ये डिसअपियर हो जाएगा, फिर आपको जहां पे बीम बनाना है वहां के पॉइंट पे जाइए, लेफ्ट माउस रेड रेड आया, रेड का जो प्लस है वहां क्लिक कीजिए, और जहां तक बनाना है वहां तक जाइए, हम यहां तक आ गए। पहले मैं सारे हॉरिजॉन्टल वाले बना लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, फिर मैंने क्लिक किया, ग्रिड आ गया, फिर गए, और ये फिर लास्ट तक जा रहा है मेरा, नहीं यहाँ पर भी आके कॉलम जुट रहा है, तो ठीक है कॉलम जुट रहा है तो यहाँ पर भी कर लेंगे, या लास्ट तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं उससे, और फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर आपका यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ तक जुट रहा है, और यहाँ से यहाँ फिर हम चलेगा तो ये बन गया, फिर राइट क्लिक किया, फिर ये आपका स्टेयर केस वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक बीम, और फिर यहाँ से यहाँ तक बीम बना दिया। वर्टिकल वाले बना लेते हैं, यहाँ से ये देखिए माउस, ये ध्यान रखना है हमें कि क्या सेलेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ गए, और हम फिर गए, और फिर राइट क्लिक करके इसको डिसअपियर किया, क्योंकि तो यहाँ हमें बीम चाहिए नहीं, यहाँ बीम नहीं है, फिर हम यहाँ पर गए, यहाँ पे बीम चाहिए, यहाँ से यहाँ क्लिक किया, प्लस बना, फिर आगे गए, फिर अभी प्लस नहीं बना, प्लस अब बना। सर साइड में जो है उसको प्लान भी रख सकते थे, ग्रिड सिस्टम लाके रख सकते हैं आसानी से। नहीं मैं समझा नहीं क्या बोल रहे, राइट साइड में जो 3D व्यू वाला विंडो खुला होगा, हाँ वहाँ पे ग्रिड वाला खोल सकते हैं, ड्रॉ करने खोल सकते हैं, लेकिन फिर बहुत छोटा हो जाएगा, इधर ड्रॉ करना इधर ये चीज जो है ना बहुत छोटा हो जाएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, यही बनाया ना देखिए यहाँ पे इस तरह करके बनाए, यही चीज यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से आप समझ लीजिए यहाँ पे बीम बनाए, ये प्लान आपके पास पड़ा हुआ है, मोबाइल में रख लीजिए इसको, फिर देखते हुए बना लीजिए।
ये बीम बना, यहाँ बीम बना, यहाँ बीम नहीं बना, ये करके हमने बीम, ये देखिए ये गलत बन गया, ये बीम यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ बीम बना लेते हैं, उसको डिलीट कर देंगे। प्लस देखिए, प्लस नहीं बनेगा तब तक आपको टच नहीं करना है, इसका मतलब है वो कहीं और ले ले रहा है, अगर प्लस नहीं बन रहा है तो। ये देखिए अब प्लस बना, और अब राइट क्लिक करके इसको हटा लेंगे, स्क्रॉल कीजिएगा, और स्क्रॉल से आप इसका जूमिंग कंट्रोल कर सकते हैं, और कहीं बहुत भाग गया तो आप फिर से यहाँ पे प्लान व्यू में चले जाइएगा, और यहाँ से जो जो भी स्टोरी है, तो स्टोरी अभी आप मेरी फर्स्ट स्टोरी की है, वहां सेलेक्ट करके अप्लाई कीजिएगा, वो आपका नॉर्मल नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। कहाँ बना, अच्छा ये टॉप पे बना रहे थे, तो एक ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक। अब इसको डिलीट करना है तो हम यहाँ से पहले इसको नॉर्मल में ले आते हैं, सेलेक्ट वाले में, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको जस्ट आप कंप्यूटर पर डिलीट प्रेस कीजिएगा तो भी हो जाएगा, नहीं तो एडिट में जा करके आप यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। अब तो इस फ्लोर पे बन गया, अब मेरे को इसके बाद इसको नीचे वाले फ्लोर पे भी ले जाना है, ये तो रूफ पे बना ना, उसके बाद जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड है यहाँ पर भी बीम है, नीचे में तो आपका लगेगा क्या कहते हैं सपोर्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो अपने को बीम चाहिए। एक तरीका तो ये है कि आप जाके वहां पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक, या एक तरीका यह है कि आप इस पूरे को सेलेक्ट कीजिए, ठीक, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, तो कॉपी करके पेस्ट करते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट देखिए अभी मेरा कौन सा, यहां पे देखिए थोड़ा शेडिंग आ रहा है, यहाँ शेडिंग नहीं आ रहा है, यानी ये मेरा ये विंडो अभी एक्टिवेट है, ये विंडो का ये पार्ट एक्टिवेट है, ये वाला पार्ट एक्टिवेट नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे यहाँ क्लिक करके इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के लिए आप यहाँ से एडिट में जाकर के कॉपी कर लीजिए, या कंट्रोल सी दबाइए वो कॉपी हो जाएगा, फिर एडिट में जाकर के पेस्ट कीजिए, तो पेस्ट का ऑप्शन देखिए नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल वी करता हूं अगर कीबोर्ड से, तो ये क्या अपीयर हुआ, एक्स और वाई, और ये चेंज प्लान ऑर्डिनेट बाई, ये करा है कि आप इसी प्लान में इसको कॉपी कर सकते हैं, यानी कि 2D से हम कॉपी नहीं कर पाएंगे, हमें कॉपी किससे करना पड़ेगा, 3D से। तो इसको कैंसिल कीजिए, इस विंडो को एक्टिवेट कीजिए, यहां से आप कंट्रोल सी दबाइए, या फिर आप एडिट में जाइए, कॉपी कीजिए, और फिर एडिट में जाइए और इसको पेस्ट कीजिए। अब आपका देखिए ये अपीयर हो गया, चेंज प्लान कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो एक्स वाई जेड है, तो एक्स और वाई हमें चेंज नहीं करना है, हमें जेड, जेड वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज करना है, और हमें नीचे जाना है, तो ये कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो हमारा ओरिजिन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो जब हम नीचे जाएंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका एक्स जीरो वाई जीरो और जेड हो जाएगा 1.5, जो यहां से ऊपर जाएंगे, कितना हमने बेस लिया था याद है कुछ, कितना मीटर लिया है हाइट, एक बार देख लेता हूँ डिफाइन, एक बार देख लेते हैं, नीचे वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला तो 3 था, लेकिन नीचे वाला कितना था, ये आपका 2 मीटर है फर्स्ट स्टोरेज, तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे सर झंझट हो रहा है, बेस जो है फाउंडेशन को मान ले रहा है, हाँ नहीं मान नहीं रहा है, तो हम भी उसको चेंज नहीं मानना चाहे तो उसको कर भी सकते हैं, जैसे इसको हमने प्लिंथ लेवल दे दिया, इसको ग्राउंड लेवल दे दिया तो भी चलेगा, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा सा है ये उस तरह मान लेता है, फर्स्ट स्टोरी कोई बेस मान लेता है, कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं, एडिट में जाके कॉपी कर लेते हैं, एडिट में जाके पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जेड डाल करके 1.5 कर देते हैं। अब ये मीटर में देखे टू कर देते हैं, और ये मीटर में आप अपने आप आ गया है, तो हम ओके करेंगे, ये देखिए 2 मीटर ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर क्यों चला गया, ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, -2 नहीं, तो फिर इसको फिर -3 करके देखता हूँ, फिर नीचे जाना चाहिए ये, अच्छा ये नीचे गया, यानी रेफरेंस नहीं ले रहा है ये वहां के रेस्पेक्ट में, अरे ये थोड़ा स्टूडेंट वर्जन है ना, कभी कभी इसमें कुछ भी दिखाता, लिखता कोऑर्डिनेट है, काम किसी और चीज पे कर रहा है। अब ये देखिए ये इसमें क्या मान लीजिए कि G+9 है या G+8 है, तो कई सारी चीजें प्रॉब्लम है, तो बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ, अभी सबको डिलीट कर दिया, अरे सब मैं डिलीट करता हूँ, उसमें गड़बड़ हो जाएगा, हाँ चलिए एक बार कर ही लेते हैं क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 स्टोरी,
ऑल स्टोरी और सिमिलर स्टोरी, मैं सिमिलर स्टोरी पे अभी बात नहीं कर रहा हूँ, वन स्टोरी और ऑल स्टोरी पे बात कर रहा हूँ। मतलब कि मैं एक लेवल पे चीजें ड्रॉ करूंगा और ऑटोमेटिक वो सब पे ड्रॉ हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ से कर लूँ ऑल स्टोरी सेलेक्ट। अब जैसे मान लीजिए मैंने बीम यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं ड्रॉ बीम में जाऊँ, ड्रॉ बीम, और ये हो ठीक है। अब देखिए मैं एक जगह करूंगा तो ये हर फ्लोर पे आपको दे दिया, इवन ग्राउंड पे भी, ग्राउंड पे भी दे दिया, नहीं ग्राउंड पे नहीं दिया, बेस्ट है। फिर आगे करेंगे ये दे दिया, तो इस तरह से हम इसको एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये सिर्फ स्टोरी स्टोरी पे मिलेगा सर। हाँ ये सब कर सकता है, उसी तरह आपको कॉलम में भी, अगर हम करेंगे कॉलम में भी ये चीज ले रहा है कि नहीं ले रहा है, एक बार देख लूं कॉलम में। कॉलम में जा करके अगर हम ड्रॉ करेंगे, नहीं कॉलम ऑल स्टोरी वाला नहीं ले रहा, वो एक ही स्टोरी, हाँ कर दिया, वो नीचे तक कर रहा है। ठीक है, वो सब कर, सब अपने आप बना दे रहा है, तो और लेगा, तो ये सब बना रहा है, तो इसी तरह हम कर सकते हैं ये सब। ये बेनिफिट है इस चीज का, यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कॉलम को क्विक ड्रा से करना ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि हमें पता होता है कि कॉलम हमें कहाँ प्रोवाइड करना है, तो वो चीज वहां से ज्यादा आसान रहेगा। चलिए मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सब स्किप कर देता हूँ, और हमारा अच्छा हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, एक झंझट हो गया। ठीक है, कर लेते हैं ऑल स्टोरी, फिर ड्रॉ में जा करके ड्रा बीम कॉलम सिंगल लाइन। चलिए यहां से चलते हैं, ये बीम ले लिया हमने, बीम ले लिया, तो यहां और सर प्लान व्यू में ही कीजिए, तो स्टोरी टू में कर रहे हैं या स्टोरी वन में कर रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ वो ले लेगा, वो सभी में चला जाएगा, वही कर रहा हूँ मैं, वही चीज कर रहा हूँ। ये 250 हो गया। अब यहां से मैंने बीम सेलेक्ट कर लिया, क्या दिक्कत आ गई, सॉरी कंट्रोल जो, अच्छा ये वापस ले लिया, चलिए ठीक है ले ही लिया, तो फिर अपने को आसानी बनी गया अपना। ठीक है, समझ गए ना वो कैसे करना है, जो मल्टीपल में करना और कैसे करना, एक स्टोरी पे करेंगे वो दूसरे स्टोरी पे खुद ब खुद ले लेगा, या फिर से ड्रॉ करके बता दूं आपको एक बार। कर सकता है, इसको डिलीट कैसे किया? बस इसको सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए, एक जगह सेलेक्ट की जगह सारा सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट बटन दबा दीजिए, या फिर एडिट में जाकर के आप डिलीट कर दीजिए, यहाँ से डिलीट तो हो जाएगा। चलिए एक बार ड्रॉ करके देख ही लेते हैं, यहाँ से आप यहाँ गए, बाकी है क्या सब थिंग अभी कहीं, अच्छा ये बच गया। एडिट देन डिलीट, नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ, एडिट डिलीट, हाँ अब हो गया। इसको भी सेंटर में ले आ जाए, 3D से क्लिक करेंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। डिफाइन सॉरी ड्रॉ बीम ऑब्जेक्ट, फ्रेम बीम सेलेक्ट कर लिया, चलिए ये ड्रॉ करते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो ये कर क्यों नहीं रहा, अच्छा ये विंडो एक्टिव नहीं है, ये हमें विंडो एक्टिव करना पड़ेगा। चलिए ये करते हैं, यहाँ हो गया, यहाँ के बाद यहाँ हो गया, फिर राइट क्लिक किया हमने, यहाँ बीम चाहिए, यहाँ बीम चाहिए, राइट क्लिक किया, यहाँ बीम चाहिए, यहाँ चाहिए, बता देंगे, बता देंगे, अभी तो ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो उसके बाद करना होता है। स्टार्ट प्रो में भी बोले थे बताएंगे, अच्छा वो रह गया था, अच्छा ठीक है बता देंगे उसको। फिर यहाँ बीम चाहिए, यहाँ बीम चाहिए, यहाँ बीम चाहिए, राइट क्लिक, यहाँ बीम चाहिए, यहाँ बीम चाहिए, और यहाँ बीम नहीं चाहिए, सॉरी ये जगह बीम चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, ये हो गए सारे, एक यहाँ पर रह गया, यहाँ भी क्लिक कर दिया जाए, चलिए वर्टिकल वाला कर लिया जाए, यहाँ चाहिए, यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब ये बोरिंग काम है लेकिन करना तो है, क्या कर सकते हैं, नहीं सर बीम तो बनाना ही, हाँ मैंने कह रहा है बोरिंग है, बस बनाते और कॉलम तो ड्रॉ करते हैं, हाँ उसमें जल्दी हो जाता है।
ये हो गया इससे सारा। आसान फॉर्म को वही लग रहा था। अरे इसमें ज्यादा अच्छा है वो है, मतलब आपको नॉर्मल बिल्डिंग डिजाइन करनी है ग्रेविटी लोड के लिए तो ठीक है, उसके बाद वो दिक्कत कर हाँ देता है वही चीज। ग्रेविटी लोड, इसीलिए तो सारा सीखना जरूरी है, एक सीख करके काम नहीं चलता है। अब मेरे पास क्लाइंट आते हैं कहते हैं भैया मेरे को जल्दी से दे दो, ठीक है भैया ग्रेविटी लोड से किया एक दिन में सारा कुछ दे दिया उसको। ये हो गए मेरे, जब तक प्लस नहीं बने उसको क्लिक मत कीजिएगा नहीं तो गलत ले लेगा। बीम हो गया, ऑल स्टोरी कर रखा था ये ऑल स्टोरी पे हो गया ऑटोमेटिक, सारा बीम बन गया। चलिए बीम बन गया तो अब हम बना लेते हैं कॉलम, यहां से इसको बंद कर देता हूँ, ड्रा कॉलम और क्विक ड्रा कॉलम में चलते हैं, ये थोड़ा मेरा आसान काम कर देगा प्लान में चल करके। यहाँ से ऑल स्टोरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से आप जा करके फ्रेम में यहाँ कॉलम ले लीजिएगा, फिर उसके बाद क्विक ड्रा हो गया। अब आप यहाँ पे कर्सर ले जाइए, देखिए ओरिएंटेशन खुद बता रहा है आप किस तरह से, हम जहां भी, यार बहुत बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है बहुत ही ज्यादा। वो सर नहीं, अभी रोड है ना सर, उस पे गाड़ी जा रही है, अच्छा लाउड स्पीकर लगा अच्छा अच्छा तो हम ओरिएंटेशन देखते हुए चलेंगे कि हमारा ओरिएंटेशन कैसे प्रोवाइड कर, ओरिएंटेशन प्रोवाइड करने का मतलब होता है लॉन्गर साइड में, जैसे ये मेरा लॉन्गर साइड है तो यहाँ प्रोवाइड, अब ये प्लस आया मैंने प्रोवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे जाइए प्लस आया प्रोवाइड कर दीजिए, अब इसका भी डायरेक्शन इधर ही रहेगा क्योंकि ये लॉन्गर साइड है। ठीक कहाँ गया मेरा ड्राइंग, ठीक है ये लॉन्गर साइड हो गया, लॉन्गर साइड हो गया, फिर आइए फिर यहाँ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं इस जगह में, ये मेरा शॉर्टर साइड है तो ये इधर मूव करेगा रोटेट होगा, इसमें मूव किया है नहीं किया, इसमें हाँ किया हुआ है, इसमें करेगा ये वाला दो मूव करेगा, ये तीन मूव करेगा, इसको यहाँ पे ले जाइए तो ये नहीं काम चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से एंगल चेंज करना पड़ेगा 90 डिग्री, तो अभी मैं जो नहीं मूव कर नहीं रोटेट कर रहा उसको डाल दे रहा हूँ, फिर यहाँ से 90 डिग्री एंगल चेंज कर दूंगा तो वो रोटेट कर जाएगा। ठीक है तो यहाँ वाला नहीं मूव कर रहा है, ठीक है बाकी तो ये सब कर रहा है, और यहाँ पे देख लेते हैं फिर आपका ये सर नहीं वो जो कर डाले रहा, वो तो गलत है ना सर, वो कौन सा भाई सी कौन सा बता, का थर्ड वाला सर, सी का थर्ड वाला कहाँ है थर्ड, अभी कहाँ डाले सी थर्ड से, नहीं, सी सी फाइव, सी सी फाइव फाइव तो सही है ना, ये तो ओके है ना, ये ओके है, इसका लॉन्गर साइड हाँ तो दो ही ये है तरफ ना, है। यस, दो ही तरफ है ना। हमको लगा कि ये वाला नहीं तो थ्री अब फाइव है। आपका बाकी चेक कर ले रहे हैं, अब ये डायमेंशन है 3.96, ये डायमेंशन 3.96 और ये आपका डायमेंशन है 5, तो ये आपका इस डायरेक्शन में रहेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, नहीं ये वाला चेक करना होगा 4.19 और 1.22, लगभग लगभग कितना आ गया 5.41 और इधर है 5 पॉइंट, तो ये आपका फिर मूव कर जाएगा रोटेट कर जाएगा, ये भी रोटेट कर जाएगा, तो इसका रेफरेंस ले लेते हैं ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है तो वहां से ज्यादा आसान गिरेगा। ये आपका यहाँ वाला ये हो गया, ठीक है ये एक्स डायरेक्शन में है ओरिएंटेशन है ये, फिर उसके बाद ये भी मूव कर गया है, ये भी मूव किया हुआ है, ये भी मूव किया हुआ है, ये भी इस तरफ से है, ये भी है, और मतलब ये एक दो तीन चार, चार का ओरिएंटेशन ऐसा रखना तो चलिए किया जाए, ये मेरा ओरिएंटेशन हो गया ऐसे, ये यूं हो गया, और ये अब इसका वो ओरिएंटेशन नहीं, कैसे भी? क्योंकि ये थ्री तीन पॉइंट वाला टू सर, एट है इधर भी ये 3.28 है, तो ये कैसे भी रख सकते हैं, बाद अच्छा में चेंज कर लेंगे उसे दिक्कत नहीं, देख लेना। ठीक है।
सही तो है ये। तो इसे बेसिक ये समझ में आता है कि स्टेयर केस के नीचे चार कॉलम जाएगा ही कंफर्म। हाँ वो तो जान दे डालना पड़ेगा, वो तो डालना ही डालना सही। किचन और वॉशरूम जहाँ है वहां भी उसके कॉलम नहीं, ऐसा नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ मैंने कॉलम डाल दिया, कैट प्रो में लगा के देखे थे, हाँ उसमें तो हटा सकते हैं, यहाँ कॉलम डाल देंगे, ये कॉलम, ये सारा कॉलम हटा सकते हैं। बेसिकली ऐसे ही किया जाता है ना, बेसिकली ऐसे किया जाता है। कई लोग बोल, जैसे आर्किटेक्चर बोलेगा मुझे यहाँ कॉलम नहीं चाहिए, तो ठीक है भैया कॉलम नहीं चाहिए तो उसका कुछ उपाय देखा जाएगा। फिर उसके बाद ये बोलेगा बीम की डेप्थ भी कम करो, तो ये नहीं होगा। जैसे ही हम कॉलम यहाँ से हटाएंगे, ये जो बीम है इसकी डेप्थ बढ़ जाएगी, डेप्थ बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। वो बीम की देव, वो कहेगा दोनों चीज कर दो तो दोनों कर दो, तो ऐसे थोड़े चलेगा वो, तो फिर एक स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो चीज गड़बड़ है ना, हर चीज नहीं ना चल सकता। अब ये वाला लेंथ है, ये इधर जाएगा, ये आपका ठीक है, ये भी इधर, ये रोटेट होगा, ये भी रोटेट होगा, ये भी रोटेट होगा, ये भी इधर की तरफ जाएगा, ये भी इधर की तरफ जाएगा, तो बाकी हम रोटेट कर लेते। तो जैसे ही हम यहाँ पे अब जैसे यहाँ पर अगर आप एक बटन था कोई बड़ा अच्छा था, कोई बटन दबाते थे तो अपने आप मूव कर जाता था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो। चेंज हो जाएगा ना, हाँ एंगल से हो जाएगा, लेकिन वहां पे क्या था, एक बटन दबाते थे अपने आप हो जाता था। अभी 90 डिग्री किया एंगल डिग्री, अब ये देखिए मूव कर रहा है, ये इस तरह से रोटेट कर गया, जहां जहां हमें चाहिए हम क्लिक कर देते हैं, प्लस आएगा तभी क्लिक कीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ कर देगा, ग्रिड लाइन पे नहीं लेगा। अब मैंने एज पर द ओरिएंटेशन इन सबको प्रोवाइड कर दिया कॉलम को, और ये कॉलम देखिए ऑल स्टोरी किया हुआ था तो ये बॉटम तक चला गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कैंसिल कर देता हूं, उसके बाद हम चलते हैं। सेव कहां करते हैं, क्या ये सेफ है ना, ये सेफ बटन है, या कंट्रोल एस कर दीजिए, ठीक है, या फाइल में जाके आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, जहां भी आप सेव करना चाहें। ठीक, मैं नॉर्मल कर्सर पे आ जाता हूं, पहले ये नॉर्मल कर्सर पे आ गया। अब मैं स्लैब डिफाइन कर देता हूं, तो डिफाइन सेक्शन सॉरी ड्रॉ, अब आपका यहां पे ड्रॉ फ्लोर, अब ड्रा फ्लोर वाल प्लान ये कट है, अब ये ड्रा रेक्टेंगुलर फ्लोर, अब ये मुझे ड्रा करना है, या फिर एक तो है क्विक ड्रा फ्लोर, ये भी कर सकते हैं, इस पे क्या आप क्लिक करते जाइएगा वो ड्रॉ करता चला जाएगा। तो ड्रा रेक्टेंगुलर फ्लोर पे हम चलते हैं, ये बेस्ट होता है। इसके लिए क्या है, अब ये सेलेक्ट हो गया, यहां पर जाकर के आप स्लैब सेलेक्ट कीजिए जो हमें करना है, और यहां पर आप इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, ये प्लस पे आया, प्लस पे जैसे ही आएगा उसको क्लिक कीजिए और जहां तक ले जाना है वहां तक ले जाइए, ये मेरा स्लैब डिफाइन कर देगा। लेकिन ये देखिए बॉटम पे भी कर दिया उस, हाँ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जाइएगा, अब ये बॉटम पे भी आ गया, इसको डिलीट कर दीजिएगा बाद में। अब मैं दूसरे तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ड्रॉ फ्लोर, और ये आपका क्विक ड्रॉ है। अब इसमें क्या करना है कि जस्ट आप क्लिक कीजिएगा तो, लेकिन ये ग्रिड लाइन के बीच में कर रहा है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये चीज समझ में आया, ये ग्रिड लाइन पे ले रहा है, तो जो मेरा ग्रिड लाइन पे उसको तो ड्रॉ कर ही ले, आसानी से हो जाएगा, जो नहीं है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी ये हो जाए, ये भी नहीं होगा, ये इतना बड़ा, ये हो जाएगा, तो जो बच गया उसको फिर हम कर लेते हैं उसी वाले से। तो हर चीज का अपना अपना लिमिटेशन है, वो हमें ध्यान रखते हुए काम करना, फ्लोर और ड्रॉ। तो चलिए अब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, वहां से ड्रैग कीजिए लास्ट तक, आप इसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा तो आगे तक लेके चला जाएगा स्लैब, तो हमें आगे तक लेके नहीं जाना है, प्लस पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ प्लस साइन आया तो ये ग्रिड से ग्रिड के बीच में बना रहा है। अभी आपका यहां से यहां तक गया और ये मेरा यहां से यहां तक गया, ये मेरा प्रोवाइड होगा आपका स्टेयर केस, ठीक है। यहाँ भी तो स्लैब ही लेके चलना, नहीं यहाँ हम स्टेयर केस बनाएंगे, स्टेयर केस बनाएंगे, शेयर वाला बनाएंगे, सब बनाएंगे, सब बनाएंगे, ठीक है, स्टेयर केस भी बनाएंगे और स्लैब भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, तो इसलिए मैं इस जगह में स्टेयर केस, हाँ उसको डिलीट कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए, पहले तो नॉर्मल कर्सर पे आ जाइए, फिर आप उस फ्लोर पे जाइए, मूव डाउन जीरो पे आ, अब ये जो स्लैब है सारे स्लैब को सेलेक्ट कर लीजिए वन बाय वन, यहाँ कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप क्लिक करते जाइएगा वो सेलेक्ट होता जाएगा, और फिर वही एडिट में जा करके आप उसको यहां से पहले हटा लीजिएगा, वन स्टोरी कर लीजिएगा,
नहीं तो वो सबको डिलीट कर देगा। देखिए सब सेलेक्ट हो गया, हमें फिर से करना पड़ेगा। यहाँ से फिर से आपको यहाँ से स्केप दबाना, स्केप में जाना होगा, स्केप दबाइए तो पहले हटेगा, फिर यहाँ वन स्टोरी आप कीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो वो सबको डिलीट कर देगा। अब यहाँ से एडिट में जाइए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, तो जितना जरूरी है उतना बन गया। ठीक, अब चलिए शेयर वाल पे चलते हैं, शेयर वाल डिफाइन कर दें, डिफाइन सॉरी ड्रॉ, ड्रॉ में जाकर ड्रा फ्लोर ऑब्जेक्ट। अब ड्रॉ यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आए, ड्रा वॉल इन प्लान, क्विक ड्रा वॉल इन प्लान। अब आपको 3D में ड्रॉ करने का वॉल का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको क्या कहते हैं प्लान वाले चीज को एक्टिव करना होगा, तो ये प्लान वाले तो एक्टिव है, क्या दिक्कत होगी। अच्छा ये ऊपर में आना पड़ेगा ना, तब तो ड्रॉ होगा, और फिर उसके बाद ये ऑल स्टोरी सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, ऑल स्टोरी। अच्छा ठीक है, टॉप पे आ गए, और उसके बाद आप आ जाइए ड्रॉ, ड्रॉ बीम, ड्रॉ फ्लोर ऑब्जेक्ट, और सॉरी इसमें चले गए थे क्या, नहीं सही तो गए, तो ये आ का नहीं रहा यार। क्विक ड्रॉ फ्लोर वॉल प्लान इन एलिवेशन, और ड्रॉ वॉल कभी कभी नहीं आता, कभी कभी नहीं आए तो ऐसे पकड़ के हिलाइएगा इसको, तब वो आएगा। ये है थोड़ा स्टूडेंट वर्जन में दिक्कत करता है। ड्रॉ ड्रॉ देखिए अब आ गया ना, कभी कभी कोई चीज अपियर ना हो तो ऐसा पकड़ के हिलाइएगा, अपियर हो जाएगा। क्विक ड्रॉ वॉल इन प्लान, और क्विक ड्रॉ ड्रॉ वॉल इन प्लान, तो क्विक ड्रॉ में चलते हैं, हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि हमारे ग्रिड के अंदर ही बना हुआ। तो यहाँ पे आपका देखिए पियर बना, ठीक है। अब ये पियर क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पियर आपको बताया था कि ये जस्ट कॉलम की तरह एक्ट करता है, ऊपर से लोड नीचे की तरह ट्रांसफर करेगा, एक एक्सपेंडल होता है। जैसे आप यहाँ पे जब जाइएगा देखिए पियर लेवल एक्सपेंडरल लेवल, अब ये बीम की तरह काम करता है, तो हमारे वाले केस में स्पेंड्रल है नहीं पियर है, तो मैं पियर पे आपको बताऊंगा। एक 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 मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। शेयर वाल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, फिर आप यहाँ पे जाइए ग्रिड लाइन पे जाइए, ग्रिड लाइन से फिर दूसरे ग्रिड लाइन पे जाइए, तो ये देखिए हर जगह ड्रॉ कर रहा है। अच्छा जस्ट इसको ग्रिड लाइन पे नहीं जाना है, जस्ट लाइन को सेलेक्ट करना है, क्विक ड्रा वाला हमने सेलेक्ट किया है इसलिए। एक तो गलत बना दिया इसने ना, रुक जाओ यार भाई, कंट्रोल जेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो हमें करना नहीं है ना। इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, अब दूसरे वाले से एक ड्रॉ करके देख लेते हैं। ड्रॉ वॉल, वॉल वाले पे अगर हम जाएंगे तो ये हमें ग्रिड पॉइंट से दूसरे ग्रिड पॉइंट तक जाना पड़ेगा। तो दोनों मेथड आपको समझ गया, ये वॉल बन गया। अब यहाँ पे रह गया, तो तीन ही साइड से चाहिए ना, एक साइड से तो ओपन रहेगा ना अंदर जाने के लिए, नहीं तो जाएगा कैसे, लिफ्ट लगेगा यहाँ पे, लिफ्ट का जो होगा तो एक दरवाजा चाहिए रहा, नहीं तो सब बंद ही हो गया, तो क्या मतलब, राइट क्लिक करेंगे ये डिसअपीयर हो जाएगा, ये कट कर देंगे। अब सीढ़ी मैं आपको कल बनाऊंगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं रहने देता हूँ, ठीक, हाँ मॉडल सेव कर दे रहा हूँ। स्टेयर केस कल बनाता हूँ, और फिर जो लोड फिर उसके बाद जो ये डिफाइन में जा करके लोड पैटर्न और लोड केसेज ये सब लोड कॉम्बिनेशन ये कल करेंगे अब कल करेंगे, देखेंगे कहाँ तक खत्म होता है फिर आगे, क्योंकि लोड कॉम्बिनेशन लोड पैटर्न ही आपके 5 बनेंगे। अब डेड लोड बनेगा, डेड लोड में कई तरह के डेड लोड होंगे, स्ट्रक्चरल डेड लोड जिसको सेल्फ वेट बोला जाता है, फिर आर्किटेक्चरल डेड लोड होगा, फ्लोर फिनिश आ जाएगा उसमें, फॉल सीलिंग आ जाएगा, फिर मशीनरी ब्रिक वर्क आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका सीलिंग क्या होता है सर, फॉल्स सीलिंग, सीलिंग को जो नीचे की तरफ थोड़ा सा डाला जाता है, फॉल्स होता है, फॉल्स झूठा झूठा आप बोल लीजिए, झूठा झूठा छत, हाँ तो वो कैसे डाला अच्छा उसको, हाँ ऊपर से सपोर्ट लगा करके डाला जाता है, छत से लटका करके डाला जाता है अंदर से, ताकि वो बीम वीम ना दिखे, थोड़ा खूबसूरत दिखे घर। तो कई सारा चीज आएगा, तो ये देखेंगे, डेड होगा, लाइव होगा, विंड होगा, सेस्मिक होगा, स्नो लोड तो हमारे केस में है नहीं, फिर डेड में कई सारा है, लाइव में कई सारा आएगा, जनरल लाइव लोड हो गया, फिर क्रेन इंपैक्ट लाइव लोड हो गया, फिर विंड लोड देखेंगे कितने डायरेक्शन में लगना है, और सेस्मिक लोड देखेंगे। तो हो सकता है इस वाले केस में मैं एग्जांपल में विंड लोड ना लूँ, क्योंकि विंड लोड मुझे थोड़ा आपको पढ़ाना पड़ेगा पहले, सेस्मिक तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, फिर भी सेस्मिक मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। सेस्मिक लगाना आसान है, विंड लगाना इसमें थोड़ा टफ है, उसका थोड़ा मुझे कंसेप्ट देना पड़ेगा आपको, ठीक है।
उसको मैं तो मेन विंड तो बहुत हाई राइज में आता हो, बिन हाई राइज में जाएगा ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको पहले वो कंसेप्ट yes, बता दूंगा विंडो लोड वाला, क्योंकि वो जरूरी है, कहीं ना कहीं तो यूज आएगा ही ना फ्यूचर में। yes, तो वो विंडो लोड वाला जो कंसेप्ट है वो बता दूंगा, और उसके बाद मैं उसको अप्लाई, एक एक्सेल शीट मैंने बना रखा है उसके ऊपर से समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। yes, तो इसको चलते हैं। और वो सेस्मिक वाला भी, सेस्मिक वाला अगर आपको देखना हो तो सेस्मिक वाला का मैंने एक्सेल शीट बना रखा है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा ठीक है। हेलो हेलो, यहाँ पे बता दीजिएगा ऑनलाइन, नहीं यहाँ मैं बता दूंगा ठीक है, इसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहां आपके पास पूरा पड़ा हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, वो काफी अच्छे डिटेल में किया हुआ, आप उसको देखिएगा एक बार, 40-45 मिनट का वो वीडियो है, वो उसको देखिएगा, देख के आइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कल आप उसको देखिए और मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा ठीक है उससे, तब आप उसको देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा ठीक है। चलिए मैं सेव करके और क्लास को ऑफ करता हूँ।